अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द वेरी नेक्स्ट पेज जो कि हमने कल सॉल्व किया, पहले वीडियो में सॉल्व किया था वो पेज नंबर 85 था, और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 86। 86 पे एक नई एक्सरसाइज है, लेट्स सी व्हाट द डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू टीच अस। तो लिखा है कि वी यूज द वर्ब्स यूज टू एंड वुड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, यानी हम जो वर्ब्स होते हैं यूज टू यानी मैं करता था, और वुड वो कब यूज़ करते हैं, पास्ट हैबिट्स को यू एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जो चीज़ें हम पहले करते थे पास्ट में जो हमारी हैबिट्स थी। जैसे कि हम कह सकते हैं वी यूज़ टू सक आर थम्स व्हेन वी वर यंग, कि हम जब छोटे थे अंगूठा चूसते थे, इस तरह की कोई चीज़। वी यूज़ द वर्ब विल टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट्स, यानी हम विल कब यूज़ करेंगे, जब हमारी प्रेजेंट हैबिट्स की बात होगी, यानी जो अभी हो रही हैं या होने वाली हैं, जो होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है। द फार्मर यूज्ड टू राइड द हॉर्स वेगन टू द मार्केट बट नाउ ही ड्राइव्स अ ट्रक, यानी वो पहले हॉर्स वेगन ड्राइव करता था और अब ट्रक ड्राइव करता है। तो ही यूज्ड टू, उसकी पहले हैबिट थी। इन द पास्ट द फार्मर वुड टेक हिज चिल्ड्रन टू द मार्केट ऑन संडेज, और पहले वो अपने जो चिल्ड्रन थे उनको मार्केट लेके जाता था। ठीक है, तो उसकी आदत थी, पास्ट हैबिट्स थी, इसलिए यूज टू और वुड यूज हुआ। द चिल्ड्रन विल अटेंड डांस क्लासेस एवरी संडे, यानी चिल्ड्रन अब अटेंड करने वाले हैं या करेंगे, क्योंकि वह अब होगा, प्रेजेंट में है, तो हमने ये क्या यूज़ किया है, विल। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हमें एक्सरसाइज दी हुई है और हमें उसको एग्जाम्पल सीख के ऊपर रीड करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डैश ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता था। अब चाइल्ड थे तो क्या यूज़ होगा, यूज टू। द बैलरीनाज चेंज इन टू देयर ट्यूटर्स टू आवर्स बिफोर देयर परफॉर्मेंस, बैलरीनाज अपने कपड़े कब चेंज करेंगी, दो घंटे पहले अपनी परफॉर्मेंस से, तो अब वो करेंगी तो विल। व्हेन ही वॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया यू डैश जॉग एवरी मॉर्निंग, जब वो ऑस्ट्रेलिया में था, अब वो था, अभी नहीं है, तो वो क्या करता था, यूज टू जॉग या फिर वुड जॉग भी हो सकता है। द चिल्ड्रन डैश ब्रश देयर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, बच्चे अभी बिस्तर पे गए नहीं है, जाने से पहले करेंगे, तो क्या यूज़ होगा, विल। डेक्स्टर डैश प्ले द गिटार बट नाउ ही प्लेज ड्रम्स, यानी डेक्स्टर अब तो ड्रम प्ले करता है, तो पहले ही करता था गिटार प्ले, तो यूज्ड टू प्ले द गिटार, या डेक्स्टर वुड प्ले द गिटार भी हो सकता है। यूज्ड टू वुड सेम जगहों पे यूज हो सकते हैं। व्हेन आई लिव्ड इन द सिटी आई डैश गो टू द मूवीज वंस अ वीक, जब मैं रहता था सिटी में तो मैं जाया करता था, तो आई यूज टू या आई वुड गो होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक पहले भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के दो तरीके से कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ टू वुड और विल के बारे में पढ़ा है जो कि हमारी पास्ट और प्रेजेंट हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हैं। हमने एग्जांपल्स भी देखी, देन वी लाइक डिस्कस द एक्सरसाइज एज वेल। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज़ वेरी सिंपल, यू नो कि आपको वीडियो देखनी है, समझना है, एंड वॉट यू आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज और फिर वीडियो देख के अगेन चेक करना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। If you still have any questions, you can ask below the video.